बेसिस के उपर मैं कह सकता कि भगवंत मान जी की सरकार के किए हुए कामों देखते हुए जलंधर के लोग वड्डे मार्जन के उपर साडे कैंडिडेट सुशील रिंकू जी जिता जा रहे हैं। लगातार इल्जामों की झड़ी अमन अरोड़ा जी लगी हुई है, चाहे वह अश्लील वीडियो मामला लालचंद कटारू जग जी का, या फिर उस तो इलावा एक महिला दौड़ती हुई दिखाई दे रही है, उस तो इलावा एक जर्नलिस्ट को लेकर आम आदमी पार्टी में जरूर घेरिया जा रहा है कि असी वेंडेटा या तेरमे की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, असी लॉ ऑफ लैंड की पॉलिटिक्स करते हैं। 111 दिन एक बंदे का भी दिखा देने कि जी आ इस बंदे मेरे वालों दी हुई तनख्वाह पहुंची है। जलंधर जिन्नी चोणा का आगाज़ जड़ा होया सी वो हुण कुछ ही समय के चोण प्रचार बंद हो जाएगा, पूरा अड्डी चोटी का जोर सारी सियासी पार्टियां दे वल्लों लगाया जा रहा, तो आखिरी प्रैस कॉन्फ्रेंसा जा कह ली कि चोण प्रचार हुण आखिरी दौर दे विच चल रहा है, 6 बजे तो बाद सब प्रचार बंद भी कर दिया जाएगा, तो स्पैशल तौर के उत्ते प्रैस कॉन्फ्रेंसिस भी कीतियां जा रही ने। आम आदमी पार्टी के लिए वकार का सवाल भी जरूर बनया होया, तो गलबात करांगे अमन अरोड़ा साडे नाल मौजूद ने, गल करदे आखिरी पड़ा दे विच किस तरह महसूस कर रहे हो? बहुत वधिया लग रहा है जी, जलंधर वालों ने सानू लोगों जिहड़े असीं बाहरों आ के पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, जलंधर वालों तो बहुत प्यार मिले, तो उस प्यार दे बेसिस दे उपर मैं कह सकदा कि भगवंत मान जी की सरकार के किए हुए कामों देखते हुए जलंधर के लोग वड्डे मार्जन के उपर साडे कैंडिडेट सुशील रिंकू जी जिता जा रहे हैं। लगातार इल्जामों की झड़ी अमन अरोड़ा जी लगी हुई है, चाहे वह अश्लील वीडियो मामला लालचंद कटारू जग जी का, या फिर उस तो इलावा एक महिला दौड़ती हुई दिखाई दे रही है, उस तो इलावा एक जर्नलिस्ट को लेकर आम आदमी पार्टी में जरूर घेरिया जा रहा है कि लुधियाना एक एससी एक्ट के तहत एक महिला जी पत्रकार से उसके उत्ते कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी वालों धक्केशाही करके तो उसके उत्ते मामला दर्ज किया गया। देखो गल यह है कि जी ये गल कर रहे हो ये मेरे ध्यान के नहीं है, पर मैं थोड़ी एक गल दसा कि साडा यह जहाँ ना कोई थॉट प्रोसैस सी ना है तो ना होगा, असी वेंडेटा या तेरमे की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, असी लॉ ऑफ लैंड की पॉलिटिक्स करते हैं, तो उही लैके असी लोगों के जा रहे हैं, तो उही लोगों का रिस्पोंस जिहड़ा बहुत वधिया मिल रहा है। बूथ कैप्चरिंग का सवाल तो बार बार आ ही रहा, पर चन्नी साहब के वालों एक इंटरव्यू के भी कहा गया कि जी आम आदमी पार्टी जी नौकरियां देने की गल करती है वो तो मेरी सरकार के मौके दिखाई गई थी, जो मैं 111 दिन चाह इन्होंने नवी नौकरी तो कोई दी नहीं। मैं चन्नी साहब को बेनती करनी चाहूँगा कि 111 दिन उन्होंने किन्ने बंदियां नूं दी एडवरटाइजमेंट करके प्रॉपर टेस्ट प्रोसैस अडोप्ट करके किन्ने बंदियां नूं अपॉइंटमेंट लैटर दित्ते, जे अपॉइंटमेंट दित्ती है किसी नौकरी दित्ती है तो उस मुलाजिम के खाते तनखा भी गई होगी। 111 दिन एक बंदे का भी दिखा देने कि जी आ इस बंदे मेरे वालों दी हुई तनखा पहुंची है तो मान लाँगे फिर उ प्रोसैस तो आही तो अभी कह रहे हाँ मैडम कि 75 साल काम ही उदो शुरू करते होंगे सके जब प्रोसैस शुरू कर देंगे सके बोर्ड लग जाते एडवरटाइजमेंट हो जाए अल्टीमेटली लोगों ने एडवरटाइजमेंट के प्रोसैस में चटना है, मकसद लोगों नौकरी मिलने तक है, नौकरी मिलने जो पहले साल काम शुरू करोगे, भगवंत मान जी ने पहले साल काम शुरू करता साल के नौकरी मिल गई ना, वो 3 महीने पहला क्यों काम शुरू करते जी हूँ तक आही तो अं कह रहे हैं लोगों कि 70 साल थानू बेवकूफ़ बनाई गए ने लोगों पंजाब सिर्फ और सिर्फ अगली वोट लैण के लिए काम शुरू हुंदा सीगा ते पहला वाली लई हुई वोटां दा हिसाब किताब कौन दूगा जी, ये जलंधर लोगों को पूछना चाहिए। गढ़ गुड़ जी मेरी गल सुनो 2022 देखिए कि कांग्रेस अकाली दल बीजेपी के व्डे व्डे गढ़ ने जोड़े वो लोगों ने तहस नहस करते सीगे, यही काम है जो जलंधर के होने जा रहा है 10 तरीक में। आखिरी सवाल एक वीडियोस जिहड़ियां ने ओ लगातार जिवें मैं पहले भी जिक्र किया वायरल हो रही ने, तो वो वीडियोज़ के तुहानू घेरन की जिहड़ी कोशिश की जा रही है कई तरह के मीम्स बना के एक जो चोण प्रचार हो रहा है उस दिखाया गया कि वह नौजवान एक पासे तो तुहानू समर्थन देंदे एक पासे कहिंदे कि इस वारी तुहाडा कुछ नहीं, कई कुछ गल्लां जिहड़ियां कौन नहीं उह लोग जिहड़े देखो इस तरह है कि जिन्हां नूं लोग मूँह नहीं लाउंदे हैगे वो एहजियां वीडियोज़ ते मीम्स बना के वो सोशल मीडिया ते तक्की जांदे ने, पर एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटी है वो तुसीं लोकां नूं पुछो सोशल मीडिया दे विच की चल रहा है, इहदे नाल मैडम ना जलंधर दा ना पंजाब दा फ्यूचर है जिहड़ा भविख है वो आपां डिफाइन नहीं कर सकदे हैगे, जिन्हां नूं एक्चुअल दे विच कोई नहीं पुछदा वो सोशल मीडिया ते आपदी कंपेन चला रहे ने, चलाउण तों कोई दिक्कत नहीं हैगी। स्मार्ट सिटी बन जाऊगा जलंधर, साढ़े एफर्ट्स दे विच ना कोई कमी सी ना है तो ना होगा, सो इस करके वादे ने जिहड़े वादे टुट जाते होंगे ने फेल हो जाते होंगे ने कोशिशां ने जिहड़ियां कामयाब हो जाते हैं। आखिरी अपील
लोगों को अपील इको ही है जी कि 75 साल उन्होंने उस घटी हुई जी घसीपिटी राजनीति सी जी जिद पिछलियां वोटों का हिसाब किताब देने की बजाय अगलिया चोणों के लिए वोटा लैन के लिए वादे हो जाते सीगे उन्होंने छड़ के एक साल की परफॉर्मेंस के उपर वोट पाउण और जदों लोगों का मुहांदरा देखते हैं लोगों का इंटरस्ट देखते हैं तो मैं बड़े हौसले नाल कह सकदा राजा वड़िंग जी ने वीडियो जारी करके अरविंद केजरीवाल की कहा कहिंदे 111 दिन होर मंगदे वे पहला काम कीता हुंदा तां इदां मंगण दी लोड़ ही नहीं सी पैणी की कहा जी उन्होंने उन्होंने स्पैशल अपने ट्विटर हैंडल ते एक वीडियो पाई अरविंद केजरीवाल जी दी तां लिखदे ने कि मंगया जा रहा कि सानू थोड़ा जिहा मौका होर दिओ कहिंदे जे पहला काम कीता हुंदा तां जिहा करन दी लोड़ ही नहीं सी राजा वड़िंग वी जे असी काम कीता हुंदा तो असी तो आपके काम के आधार की वोट मांग रहे हैं एक साल के राजा वड़िंग जी दस दिन 75 सालों के किसी सरकार ने 30,000 नौकरी दी हो 10,000 किले छुड़ाए हो लीडर के कब्जे के 584 मुहला क्लीनिक बन गए स्कूल और मेडिकल कॉलेज जोड़े वो बन रहे हैं पंजाब का रेवन्यू कल शराब शराब के 3,000 करोड़ वधाता हर घर 300 यूनिट बिजली है जी पहले 3 महीनों फ्री दे दी इन्हों कामों काम ही नहीं मानते हैं राजा वड़िंग जी बहुत बहुत धन्यवाद तो कहते काम के आधार के उत्ते असी वोट मांग रहे हैं खैर चोणों तो पहला जोड़ा आ वादे तो दावे जोड़े आ सारिया सियासी पार्टिया के वालों जित दावे जरूर किए जाते हैं खैर कुछ ही समा बाकी रह गया है जित का सिरा कि पार्टी के सिर सजेगा यह तो आने वाला समय दसेगा जलंधर तो कैमरामैन अंकी के ममताज़ स्काई न्यूज़ पंजाब